सरस्वती चाचा जी, सरस्वती पूजा आने वाला है और सरस्वती पूजा के दिन राशि के अनुसार भक्त को क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनके ऊपर माता सरस्वती की विशेष कृपा हो। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। इस वर्ष माघ महीने के पंचमी तिथि को जो बसंत पंचमी हो रहा है, बागेश्वरी जयंती, सरस्वती पूजा, उस दिन आप यदि राशि के हिसाब से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं या जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उस दिन कुछ विशेष नियम है जिसको आप पालन कर सकते हैं। जैसे राशि में मेष राशि वाले क्या करेंगे, तो मेष राशि वाले माँ सरस्वती की पूजा जो करेंगे वो सफ़ेद वस्त्र पहन करके यदि करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले सफ़ेद चंदन लगा लें, सफ़ेद वस्त्र भी है तो सफ़ेद चंदन भी लगा लें तो फायदा होगा। मिथुन राशि वाले को कॉपी और कलम यानी पठन सामग्री आप सरस्वती माँ को अर्पण करें। कर्क राशि वाले यदि माँ सरस्वती को खीर का भोग लगाते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। सिंह राशि वाले सरस्वती जी को सरस्वती जी का जो स्तोत्र है, सरस्वती का द्वादश नाम इत्यादि का, या सरस्वती का कोई स्तोत्र, सरस्वती कवच इत्यादि यदि पाठ करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। कन्या राशि वालों को सरस्वती माँ के पास पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तुला राशि वाले को गरीब या ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र यदि दान करते हैं तो माँ सरस्वती आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। धनु राशि वाले को भी पीला चंदन लगाना है। वृश्चिक राशि वाले को और कर्क राशि वाले को, दो राशि वालों को खीर का भोग लगाना आवश्यक है, माँ सरस्वती की कृपा होगी। धनु राशि वालों को पीला चंदन लगाना है और मकर राशि वालों को सफ़ेद वस्त्र पहन करके आना है, सफ़ेद वस्त्र दान भी करना है, सफ़ेद चंदन भी लगाना है। कुंभ राशि वालों को जैसे कि पेंसिल, रूल, कटर, कोई छोटे बच्चे को आवश्यक जो ज़रूरतमंद है वैसे बच्चों को दान करने से सरस्वती माँ की कृपा बरसेगी। और मीन राशि वालों को पीला वस्त्र पहनना भी है, पीला वस्त्र दान भी करना है और पीला वस्त्र से पहन करके माँ सरस्वती के स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।